बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे उनको पुनः 3 लाख 2 लाख और 1 लाख रुपए का पुरस्कारित सम्मान राशि उपलब्ध कराने का काम, हर खेत में 12 महीना पानी कैसे उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था, झारखंड का किसान भगवान भरोसे ना, उनके आय के संसाधन कैसे बढ़ाए जाए इसके लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से, बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से, फूलो जानो योजना के माध्यम से महिला हो, नौजवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी लोग उसका आप लाभ ले सकते हैं। आज सरकार आपके लिए दरवाजा खोल के खड़ी है। आज आप बैंक के पास जाते हैं कोई रोजगार सृजन करने के लिए, लोन लेने के लिए, तो बैंक आपको कितना पैसा देता है वो आपको अच्छी तरीके से पता है, और कितना भारी भरकम इंटरेस्ट लगा करके देता है वो भी आपको पता है। आप लोग कोई गाड़ी ट्रैक्टर मोटरसाइकिल अगर आप लोग लोन में लेते हैं, अगर एक केस फेल हो गया तो दूसरे दिन लठेत लेके पहुंच जाता है और आपका गाड़ी खींच के लेके चला जाता है। आज वही पर सरकार कम रेट इंटरेस्ट पर आपको बड़े पैमाने पर लोन देने का दरवाजा खोली है। कई ऐसी चीजें, अगर बोलते बोलते आदमी थक जाएगा लेकिन योजना खत्म नहीं होगा। आज इसीलिए सरकार आपके द्वार के माध्यम से जो चीजें ब्लॉक कार्यालय जिला कार्यालय में होता था उन कार्यों को हम आपके पंचायतों में आपके गांव में लेके जा रहे हैं। अगर आप लोग आगे नहीं आके बढ़ेंगे तो फिर पदाधिकारी यूं ही चुपचाप बैठे रहेंगे। आज पदाधिकारियों को सख्त निर्देश के साथ आपके बीच में भेजा जा रहा है और पिछले बार जो कमी बेसी हुई है उन सभी को फिर से तंदुरुस्त किया गया है। इस बार कोई फाकीबाजी नहीं चलेगा। इस बार हम लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल बना रखा है, हर दिन इसकी मॉनिटरिंग होगी, हर हफ्ता इसका रिव्यू होगा, और जब हम लोगों का स्थापना दिवस 14 नवंबर का दिन आएगा उस दिन आज इस योजना का समापन होना है। और इस बार बड़े लक्ष्य के साथ हम इस योजना को आप तक पहुंचाने जा रहे हैं ताकि आप स्वरोजगार के माध्यम से जो सड़कों में भटकने की जरूरत पड़ती थी उसका जरूरत नहीं पड़े। चले आप लोग भी यहां पर आए, आप लोगों से भी बात करेंगे। इसलिए कई चीजें हमारे विरोधी, आज आप लोगों ने अखबार में पढ़ा कि आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का शुभारंभ हो रहा है। आज अखबार के माध्यम से हम लोगों ने अपने विरोधियों को भी और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं सबको न्योता देने का काम किया है, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, सभी को। लेकिन आज इस मंच में आप देखेंगे हमारे विरोधी लोग एक भी नजर यहाँ नहीं आ रहे हैं। और ये काम क्या कर रहे हैं, आज रांची में बैठ करके सभी नेता लोग मिलकर के सरकार के खिलाफ में षड्यंत्र रचने का काम कर रहा है। अजीब हालत, ये लोग आज सिर्फ अखबारों के माध्यम से सरकार के छवि खराब करने में लगी है। इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि गरीबों का हम पेंशन दे, इनको अच्छा नहीं लग रहा है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का समस्या का समाधान करें, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये पुरानी पेंशन हम लोगों के लिए लागू करें, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि 1932 का खतियान लागू हो, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ओबीसी को 27% का आरक्षण लिया। और आज इन प्रकार ये सीबीआई ईडी और इनकम टैक्स का और कोर्ट कचहरी का डर दिखा करके इनको लगता है कि इस राज का आदिवासी दलित कहीं से कमजोर नहीं है। अगर कमजोर है तो ये कोर्ट कचहरी इनको कराओ और वहीं ये लोग घुटना टेकेंगे। लेकिन ये भूल जाए कि अब वो लोग जो इनके सपने हैं उनको चूर करने की भी क्षमता आज हम में पैदा हो गई है। इनके सारे मंसूबे पर पानी फेरने का भी काम हम लोग करेंगे। आज इस राज्य सरकार अपने काम के बदौलत इनकी आवाज को बंद करेगा, इनके षड्यंत्र को समाप्त करेगा। आज सरकार के योजनाओं के बदौलत आज घर घर में, गांव गांव में
सरकार कोई ना कोई योजनाएं सरकार उन लोगों ग्रामीणों को दे रहा है, किसानों को दे रहा है। आज यहाँ सरकारी कर्मचारी से लेकर के ग्रामीण तक के चेहरे पर मुस्कान है। नहीं तो पिछले 5 साल को याद कीजिए, धरना प्रदर्शन करते थे तो कितना लाठियां खाना पड़ता था। आज सरकार लाठियां नहीं बल्कि सरकार को लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही। पहले हम सुनते थे कि विधायकों का, मंत्रियों का, और हमने देखा भी है कि अपनी समस्याओं को लेकर चाहे किसी भी दल का विधायक हो, किसी भी दल का मंत्री हो, सबका घर घेरा होता था और अपनी मांग के लिए लोग इकट्ठा होते थे। लेकिन इतना से खुशी होने की जरूरत नहीं है। अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है चलना 20 सालों में। यही वो मंच है जहां आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी राज अलग करने का हजारों बार आह्वान कर चुके थे, लेकिन हम लोगों ने इस राज को पाने में 40 साल लगा दिया। तो क्या आपको उम्मीद है कि जो 20 साल इन लोगों ने इस राज को बर्बाद किया ये 1.5 साल में ठीक होगा? आज इस राज के साथ चुनौती, अभी हम लोग सरकार बनाए नहीं कि कोरोना हम लोग को घेर लिया, और जब सरकार कोरोना से बाहर आया तो ऐसा स्थिति विषम बारिश का हुआ कि राज सुखाड़ की स्थिति में आ गया। आज किसान त्राही माम है, बारिश अनठिकाना गलत गलत समय में हो रहा है। आज जितना भी धान लगा था वो धान अब घास का रूप ले लिया। अब वो घास क्या इंसान खाएगा? अजीब स्थिति है। गरीबों के लिए तो हमेशा चुनौती रहा है, लेकिन गरीब के साथ अगर हम खड़े हैं तो आप लोग को इस विश्वास के साथ हमारे साथ खड़ा होना होगा कि इस राज्य का अगर विकास होगा तो सिर्फ हमसे नहीं आप लोगों के साथ मिलकर किया जा सकता है। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, हम आपको मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा, तभी हम मंजिल पर पहुंचेंगे। आज कई ऐसे लोग हैं जिन तक अभी हमें पहुंचना है। हर एक व्यक्ति तक, इस राज के 3.25 करोड़ लोगों तक हम पहुंचेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आंधी तूफान आता रहेगा, लेकिन सरकार का जो कदम है वो कभी नहीं रुकने वाला। कुछ षड्यंत्रकारी लोग लगातार लगे हुए हैं हमारे राज्य में। यहाँ के एक बहुत प्रमुख नेता आज बने हुए हैं, अघोषित विधायक दल के नेता बने हुए हैं, जिनको कोई मान्यता भी प्राप्त नहीं है, और लगातार अखबारों में हेडलाइन छपवा रहे हैं भ्रष्ट सरकार, घोटालेबाज सरकार। अजीब हालत है। क्या भाई पेंशन का पैसा क्या आप लोग हमको दे रहे हैं? क्या वृद्धा पेंशन हमको मिल रहा है? क्या दाल हम आप लोग का राशन नहीं पहुंच रहा है क्या? आज इनको ये नहीं दिखता किस मुंह से बोलते हैं, किस नीयत से बोलते हैं, और किस इनकी मानसिकता है, इनकी ये समझ से परे। आदरणीय विधायक दल के नेता, हमारे विरोधी के जो अपने आप को घोषित कर रखे हैं लोकसभा चुनाव में, हमारे साथ वो चुनाव लड़े, जहां कहां उनके लिए प्रचार किया, नाम नहीं लेना चाहते हैं। जहां कहा वहां उनके लिए प्रचार किया, लेकिन अन्नपूर्णा देवी जी ने उनको 5 लाख वोट से हरा दिया, तो मेरा क्या गलती है बताओ? और उन्हीं के साथ जाकर के बैठे, दो दो विधानसभा से चुनाव लड़े, दोनों जगह से हार खा गए, उसमें हमारा क्या गलती बताओ? लेकिन जबरदस्ती ताल ठोके हुए हैं, और किस मोह माया में ठोके हैं या ठोक रहे हैं और आगे भी ठोकेंगे भगवान जाने, लेकिन उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग को चिंता करना है अपना घर द्वार का,
अपने अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए और अपने बाल बच्चों के लिए, अपना खेत खलियान के लिए। आज हम लोग जब समय से पहले बीज लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं तो समय पर बारिश नहीं हो रहा है। अब इसमें सरकार क्या करेगा बताओ? पहले तो समय पर बीज नहीं मिलता था, समय पर खाद नहीं मिलता था और समय पर बारिश हो जाता था। और आज सब समय में मिल रहा है तो बारिश समय पर नहीं हो रहा है। अजीबोगरीब स्थिति है। इन सभी चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है। और अब झारखंड का किसान भगवान भरोसे ना रहे, आने वाला समय में अगला चुनाव के बाद आपका आशीर्वाद रहा तो विशेष रूप से हम लोग किसानों के लिए, इरिगेशन के लिए बड़े पैमाने पर काम करेंगे और हर खेत में 12 महीना पानी कैसे उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था करेंगे। आप लोगों को बड़े पैमाने पर कुछ समस्याओं को झेलना पड़ता था बिजली को लेकर, ये बात सही है। बिजली को लेकर दिक्कतें पहले से जो इन लोगों ने जिस तरीके से जोड़ घटाव कर रखा था वो तो होना ही था। आज उन समस्याओं का समाधान करने का एक पहला कड़ी हम लोगों ने शुरू किया कि आज ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 100 यूनिट बिजली हम फ्री देना चालू कर दिए हैं। ये भी आप लोग जान लीजिए, आप लोग को बिल विल देने की जरूरत नहीं। और हमारे शहर में रहने वाले लोग जिसको नगर निगम, नगर इकाई बोलते हैं, नगर परिषद बोलते हैं, यहाँ का लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता है, अपना पेड़ पौधा काट करके बिल्डिंग बना ले लेता है, कंक्रीट का जंगल बना लेता है। इन लोगों के लिए भी हमने योजना लाया कि एक पेड़ लगाओ और 5 यूनिट बिजली फ्री पाओ। जितना बिजली फ्री चाहिए उतना पेड़ लगाओ। और इस राज्य को अगर हरा भरा रखना है, स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा हवा रखना है तो आप लोगों को प्रकृति से प्रेम करना सीखना होगा, आदिवासियों के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलना होगा। तो ना के बोया को तह नोडे अब होड़पोन को आया मेना पिया तह नोआ। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम में होबो कंता बोना नुआ पंचायत पंचायत रे अतु अतु रे नुआ शिविर लगा तबोना आय मालिकान योजना है। आपे लगी ले जो बिनाओं का उना कुप लई सुधर पिया आपे ओंडे फोरम पे भराव दाड़े आ आर योजना रे लाभ पे हताव दाड़े आर हांडे नोडे हिजो सेनोरिया दरकार बनुआ आपे पहिल ब्लॉक को रपे सेनो करना हिजू करना कमी बांग बिरा कांता है। आपे एकेन दरखास्त भरा पे उना दरखास्त अका का टेबल रे सेनो करना ओ कोई कोई पदाधिकारी कमी इदा है ओ कोई कोई पदाधिकारी बाय कमी इदा उना रे सनाम मिमी दिन रिया उना रे रिपोर्ट ले हतावा आज मिमी हफ्ता रे उना रे समीक्षा ले दोया। आज 14 नवंबर पहिल रे नोआ सनाम समस्या रे समाधान आले बिना समाधान उडुक लगी ले संकल्प का होना तो नवा योजना रिया शिविर रे आपे सेटेरो पे जहां पेंशन को रे पे सारे बरे एकाना होना को भोरा पे चाहे हड़ाम बुढ़ी को चाहे विधवा गोगो और को चाहे एकाई गोगो हड़े ताहन कान उन्हीं चाहे दिव्यांग बिना है उन्हीं आपे सनाम पेंशन रिया हकदार के ना पे एपीएल बीपीएल रिया दरकार बनुआ राशन कार्ड हो हटी को और आप जे योजना हताव सुनाए पिया आपे बिरसा हरित ग्राम योजना ते फलदार धारे पे रोह दाड़े आरो आय मालिकान गाड़ी मोटर ट्रैक्टर को हटी हो गना उना को हथा पे और उना को माध्यम ते अपना स्वरोजगार तैयार पे गाय डंगरी सुकरी सीम सनाम को जहां तीन आसूल सुनाए पिया अनुदानित दर ते आपे उना लोन सरकार एमो लगी है कानूने बिनाओ का उनाते
आयमा रहो कथा मिना नेता रहो चार साढ़े चार बजे या कार्यक्रम रांची रे आ रहो मिटंग मिना आडी लटू उनाते निया गए मैंने बड़ा करते आयमा को शिलान्यास उद्घाटन हुई ना। आज यहाँ लगभग जो हमको जानकारी प्राप्त हुआ है इस जिला में लगभग 100 करोड़ का सड़क की योजना है ग्रामीण और पथ विभाग के माध्यम से चल रहा है। इसका भी शिलान्यास और कुछ उद्घाटन भी है और इसके अलावा यहाँ पर मजदूरों को लेकर क्योंकि ये गिरिडीह जिला से बड़े पैमाने पर मजदूर पलायन करते हैं और यहाँ पर बड़ा विचित्र चीज भी कहा जा सकता है कि 20 वर्षों में और वो भी डबल इंजन की सरकार में जब उस समस्या का समाधान नहीं हुआ आज उस समस्या का समाधान का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। जैसे हमारा तीसरी है सतगावा है देवरी है राजधनवार है जहां मायका उद्योग चलता था आज उन सभी उद्योगों को इन लोगों ने डकैती चोरी और भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर रखा था 20 सालों में और उसका समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज उस मायका उद्योग का समस्या का समाधान के लिए हम लोगों ने कैबिनेट से उस पर आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया है और बहुत जल्द ये मायका उद्योग का एक व्यवसायिक व्यवस्था कैसे स्थापित हो ये इन क्षेत्रों को के सामने हम लोग लाने जा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो मजदूर हमारे पलायन करते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं कोई सांप काटने से कोई पानी में डूबने से कोई हाथी के प्रकोप से या और कोई आपदा से मर जाने के उपरांत इनको जो मुआवजा सरकार देती थी किसी में 4 लाख किसी में 1 लाख किसी में 2 लाख का प्रावधान था उन सभी को एक समान रूप जितनी भी इस तरीके की मौतें होंगी इस राज्य के अंदर उन सभी मौतों में 4 लाख रुपया कम से कम लोगों को दिया जाएगा। यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बातें छूट गई हैं लेकिन इसके लिए आज सरकार का जो ये शिविर होगा इस शिविर में पहुंचकर उन योजनाओं का जानकारी लें। कई छात्र छात्राओं के लिए भी हम लोगों ने योजना प्रारंभ किया है उनकी बेहतर शिक्षा के लिए नए नए रास्ते खोल रहे हैं। आज हम लोगों ने पहली बार छात्रवृत्ति में 2 गुना 3 गुना वृद्धि किया है। हमारे जितना भी जो झारखंड बोर्ड से जो हमारे मंत्री जी हैं शिक्षा पर अभी लगातार काम कर रहे हैं जगन्नाथ मातो जी हमारी सरकार जब आई थी और इससे पहले भी जब थी जो इस राज्य में झारखंड बोर्ड में टॉप करता था उनको 3 लाख 2 लाख और 1 लाख रुपया क्रमशः करके हम लोग दे रहे थे लेकिन पूर्व की सरकार ने वो भी बंद कर दिया था और अभी पता चला है कि उसमें कटौती कर दिया गया है। मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं और ये भी घोषणा करना चाहता हूं कि झारखंड बोर्ड के अलावा CBSE और ICSE बोर्ड से जो भी बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे उनको पुनः 3 लाख 2 लाख और 1 लाख रुपए का पुरस्कारित सम्मान राशि उपलब्ध कराने का काम हम लोग करेंगे। और खेल के क्षेत्र में तो हम लोग आगे बढ़े ही हैं। पंचायत पंचायत में हम लोग का खेल मैदान बन रहा है हर प्रखंड कार्यालय प्रखंड में स्टेडियम निर्माण करने का संकल्प है और बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों को ये जो आप गांव-गांव में खेलते थे फुटबॉल हॉकी और तीरंदाजी करते थे अब इन सब खेल को प्रोत्साहित करके अब आपके गांव से निकाल करके विदेशों ओलंपिक और एशियाड में ले जाने का काम करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। तो आप खेल के माध्यम से भी हमारे नौजवान आगे आ सकते हैं। आज हमारे बच्चियां खेल के माध्यम से देश विदेश में कई गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, देश का कप्तानी भी कर रही हैं,
कितनी गौरव की बात है। पहले क्यों नहीं हुआ? 20 सालों में ना नियम बना, ना कायदा बना, ना कानून बना, और सब लूट का बाजार बना के रखा। तो इसलिए साथी, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। सभी को यहाँ उपस्थित होने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।